हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ और नया आपको दिखाने वाले हैं। चलिए अब थोड़ा तैयार होते हैं, फिर निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए। नहीं, पहले दूध लेने निकलते हैं क्योंकि पापा ने बोली थी जेल से दूध ले आना है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो गाइस चलिए अब चलते हैं दूध लेने और वाईफाई का रिचार्ज कराने, क्योंकि आज की वीडियो भी तो अपलोड करनी है। चलो, ऐसे मैंने ले लिए 500 रुपये और मेरा रिचार्ज होता है 371 रुपये का। चलो आज अपनी धन्नो से चलेंगे, अपनी धन्नो से। ये रही अपनी धन्नो। धन्नो रेडी? चलो धन्नू के संग जूम 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 चालू। चलो धन्नू चालू हो जाए। तो गाइस धन्नू को चालू करते हैं। धन्नू चालू क्यों नहीं हो रही है? धन्नू चलो किक से चालू करते हैं। भाई धन्नू किक से भी चालू नहीं हो रही। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्दी की वजह से धन्नो अपनी बंद पड़ गई है, तो मैं इसे चालू करके मिलता थोड़ी देर में। वो चालू करने के चक्कर में अपनी चप्पल और टूट गई, मैं आपको दिखा देता हूँ चप्पल का क्या हाल हुआ है। धन्नो और धन्नो ने बताऊँ बैग के और दे दी यार, उसमें ज़्यादा तेल लग गई। चलो अपनी दूसरी चप्पल पहन दे फिर चलेंगे यहाँ से। दूसरी चप्पल ये नहीं, ये हमने अपनी दूसरी चप्पल पहन ली। चलो तो गाइस धन्नो को चलाना कोई आसान काम नहीं है, सिर्फ पापा ही चला सकते मेरे, पर मैं भी चला लेता हूँ कभी कभी। कुंडी लगा दे रहा हूँ क्योंकि अंदर सब सो रहे हैं। मैं दूध लेने और वाईफाई का रिचार्ज कराने जा रहा हूँ। तो चलो अब चलते हैं और ट्राई करते हैं धन्नो को चालू करने का। ठीक है, धन्नो अपनी बहुत पावरफुल हो गई है आजकल। तो गाइस अपनी धन्नो से हम आ चुके हैं। थोड़ी आवाज़ का कॉम्प्लेक्स कर लेना क्योंकि अपने कर रही है इस टाइम पे। चलो मैं तुम्हें वाईफाई वाले भैया की दुकान पर मिलता हूँ। ठीक है, भैया की तो शॉप बंद है शायद, जो उनका घर है उधर बाहर से ताला लग रहा है, तो अब हमें थोड़ा लेट ही आना पड़ेगा। 9:30-10 बजे तक आएंगे तभी शायद वाईफाई का रिचार्ज खुल पाएगा। आज सौरभ जोशी का व्लॉग भी नहीं देख पाए हम। चलो थोड़ी देर में मिल। धन्नो तू इतना गुस्सा क्यों रहती है? चल जल्दी जल्दी चालू हो जाए कर, लोग भी बोल रहे हैं। ठीक है गाइस चलो, चलो हम लोग आ चुके हैं जतनगर रेलवे स्टेशन पर, जो हमारे घर के जस्ट सामने। चलो मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू और दिखाता हूँ उधर का कि वो कैसा है। तो गाइस अब अपने लोग पहुँच चुके हैं, मैं आपको थोड़ा देता हूँ। ये मेन एरिया है जिधर इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है। ये इधर फ्लैग लगा हुआ है बहुत बड़ा, और थोड़ा आगे चलते हैं फिर मैं। ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल जस्ट अपनी जेल के जस्ट सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, सच बता रहा हूँ। और इतना और जी चलता भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा ट्रेन जाती नहीं है, इसलिए चलता ही नहीं है। तो और मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको अंदर से दिखाता हूँ कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो गाइस अभी कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से ये लगा दिया गया है, और ये मेन रेलवे स्टेशन है, जैसे एंट्री गेट वगैरह यही है। और चलो मैं आपको दिखाता हूँ और मस्त मस्त चीज़ें। ये भैया स्कॉर्पियो साफ़ कर रहे हैं बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मस्त हो, क्योंकि शायद इनका कोई रिलेटिव आ रहा होगा। तो अब चलो थोड़ा आगे चलते फिर मैं आपको दिखाता हूँ रेलवे स्टेशन और कैसा है। गाइस भले ही लिफ्ट चलती नहीं हो, सॉरी चलती हैं, बट इन पर कोई जाता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इधर पैसेंजर ही नहीं है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये लिफ्ट चलती सही है। देखो जैसे लोग जाते नहीं हैं इस पर, उन लोगों को नहीं पसंद जाना, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, इसलिए कोई चलता भी नहीं है। तो चलो मैं आपको नीचे मिलता हूँ, अभी तो ऊपर जा रहा हूँ मैं, थोड़ा ऊपर से फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए ऊपर आ चुके हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से कम कैसा है। ये अपना ऊपर से ऐसा लगता है, और इस साइड में ये है, और ऐसे बताऊँ ये पूरा एरिया पार्किंग का बना हुआ है। हम लोग सोच रहे रोड पर चलने के लिए पार्किंग। चलिए थोड़ा नीचे चलते हैं, मैं नीचे से आपको दिखा दे थोड़ा। ये इतनी धीमी क्यों चल रही है भाई, अब तेज हो गई? अच्छा अच्छा ये मैं दिखाऊंगा, तेज़ हो गई बहुत बहुत नई इस टाइम पे, लोगों को मज़े आ जाएंगे भाई। एक बार अगर इस पर कोई चढ़ता ही नहीं है तो बिना हालत में क्यों चला रहे थे। चलो मैं आपको थोड़ा और आगे का दिखाता हूँ, फिर चलते घर। घर नहीं दूध लेने, जेल पे दूध लेने, क्योंकि जेल से दूध आता है ना अपना, और सब तो मिलावटी देते हैं, जेल का सही आता है, इसलिए हम जेल से लेते हैं। चलो मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ, या चलो और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये दो एलिवेटर हो गई, ये सीढ़ियाँ हो गई, और ये अपनी मैन पूरा रेलवे स्टेशन है वहाँ तक। सॉरी क्लैरिटी नहीं आ रही होगी। और ये वो है नवाज, जैसे जो मुझे नहीं मालूम मुसलमानों का कुछ है ऐसे ही अपना, खाली रेलवे स्टेशन है। और थोड़ा आगे तक चलते हैं फिर थोड़ा घर पे चलेंगे अपने, हैं ठीक है। थोड़ी देर में मिलता हूँ, आगे का दिखाता हूँ तुम्हें। गाइज अभी बताओ, ये ट्रक वाले भाई पूछ रहे थे अपने लोगों से, मैंने बता दिया ये इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है, तो रोड नंबर 8 अपनी जेल है उससे थोड़ा आगे है,
तो उधर ही अपने जेल के पास ही थोड़ा आगे उन्हें सामान डिलीवर करना है, तो उधर ही जाएंगे। तो चलो थोड़ा आगे और चलते, फिर दिखाता हूँ आपको। तो गाइस चलिए, ट्रक वाले भैया तो चल दिए, हम भी चलते हैं, थोड़ा आपको आगे का और दिखाते हैं नज़ारा। तो यही मेन रेलवे, ये पार्किंग के लिए मेन बना हुआ है, बट इधर गाड़ियाँ पार्क इसलिए नहीं होती, एक गाड़ी पार्क है बस, इसलिए नहीं होती क्योंकि ये ज़्यादा इधर से ज़्यादा ट्रेन नहीं है। मेन ट्रेन अपनी इज्जत नगर से है, उधर रेलवे स्टेशन है, उधर से मेन ट्रेन है। तो इतना दिखा दिया तो और चलो, और मैं कभी और टूर दे दूंगा, अभी थोड़ा मैं राउंड मार लूँ। और अभी फिर दूध भी तो लेना है जेल से, दूध ले लेंगे। पहले ही मैं रात में कह दिया था जैसे 6:30 बजे, तो उसी हिसाब से चलता है। और उधर दूध बहुत सही में प्योर प्योर दूध आता है, ये तो 1000 गाय जेल में अंदर है, तो स्टाफ वालों को भी प्योर दूध नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा है। ठीक है, थोड़ी देर में मिलता हूँ आगे। गाइस चलिए अभी कॉलेज के लिए निकलते हैं, और हमने अपनी दन्नो की चाबी ले ली है, आज दन्नो से जाएंगे क्योंकि पापा गाँव गए हुए हैं, तो आज से 4 दिनों के लिए दन्नो अपनी। चलिए मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ, और वाईफाई का भी रिचार्ज कराना है भैया से बोल के। ठीक है, जा रहे थे तो हमने देखा एक लड़के रहा है, वो सामने चालान हो रहा है बंदे का। गाइस उसका तो चालान हो गया, हमने भी हेलमेट नहीं डाला अपने अपने रास्ते। चलिए अपने बाबू को उठाते हैं, चलते चलो। तो गाइस अभी शोरूम में आए हुए थे और गाड़ी अपनी सही करा ली है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेग गार्ड हिल रहा था वो हमने। तो गाइस अब चलो चलते हैं अपने कॉलेज की तरफ, गाड़ी निकालते हैं अपनी, थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी कॉलेज आ चुके हैं अपने, तो अभी चलो थोड़ा क्लासरूम देखते हैं कि कोई टीचर आया है कि नहीं, फिर आगे मिलता हूं थोड़ी देर में। तो अभी बच्चे सही हैं, सुबह वाले बैच के सब आ गए हैं अपने, और बाकी नहीं आए। और ये मस्जिद की भीड़ है, मैं देखो ये बच्चे फुटबॉल और बैट बॉल लेने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। और अभी देखो ऊपर हिस्ट्री की क्लास चलेगी 57 नंबर में, बस वो ही है और कुछ नहीं जाता। चलो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ आगे, अभी क्लास तो स्टार्ट हुई नहीं है अपना। चलो अब थोड़ी देर में मिलता हूँ, ग्राउंड में चलते हैं थोड़ी देर, फिर देखेंगे अपनी व्यवस्था क्या है आगे। ठीक है, थोड़ी देर मिलता हूँ। गाइस इतनी दूर चल के आने के बाद मिला मुझे यहाँ पे चेस चल रहा है, यहाँ पे बकायदा पर्सनली बच्चों, बरेली कॉलेज में बच्चे पढ़े ना पढ़े पर जीनियस गेम जरूर खेलते हैं, टेंशन मत लो। अभी मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको, मैच का थोड़ा और बताऊंगा रोमांचक कैसा चल रहा है। 2 मिनट गाइस, एक हैवी प्लेयर मिला है, मैं हैवी प्लेयर ये चीटिंग से गेम जीतता है भाई, 3 चांस में गेम खत्म कर दिया उसने, तो इसे स्टेट लेवल पे जान दो, बिना फालतू में यहाँ खेल रहा है बरेली कॉलेज में। गाइस गोटी नीति लगा रहे, दो दो रानी चल रही है। तो अभी चलो रुको, क्लास में मिलेंगे थोड़ी देर में। गाइस हमारे कॉलेज में एक दीदी है, उनने विपिन रावत जी की तस्वीर बनाई थी उनके, उस पर ला सकता हूँ, ये देखिए बिल्कुल डिट्टो तस्वीर बनाई है उनने दीदी ने, और इतनी VIP सच में। कल हमारी जो उसने दीदी ने बनाई थी विपिन रावत जी की तस्वीर, तो उनका इंटरव्यू बकायदा आज तक वगैरह CCN न्यूज़ सब में आया था। तो हमारे कॉलेज में भी खूब टैलेंट की कमी नहीं है, ये दीदी भी अच्छा खासा यूट्यूब की हैं, आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपको इनका नाम बता दूंगा अपने चैनल के लिंक पर। ठीक है गाइस, तो गाइस थोड़ी देर में मिलता हूं आपको। तो एक और चीज़ दिखाता हूं, हमारे टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है, ये देखिए गाइस, देखिए ये ओ भयंकर गाइस, थोड़ा खतरा है इधर, चलिए हम निकलते हैं थोड़ा। तो गाइस चलो थोड़ी देर में मिलता हूं आप। तो गाइस चलिए मैं ग्राउंड में आपको एक तगड़ी चीज़ दिखाने वाला हूं, तुम लोग देखो, ये देखो गाइस, ये बच्चे क्लासरूम में जाने से अच्छा है इधर कुछ अपना एंजॉय कर रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो रहा है। चलो मैं आपको चल के दिखाता हूँ आगे क्या मैटर चल रहा है, रुको 2 मिनट। तो गाइस यहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, प्रॉपरली क्रिकेट मैच चल रहा है, बाकायदा लोग सब, ओ भाई गाइस गाइस में बॉल पड़ गई एक में, गाइस बहुत प्रॉपर मैच है बाकायदा, सब अपने अपने यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, यूनिफॉर्म वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये बाकायदा देखियो गाइस, गाइस लेदर की बॉल है, बंदा फुल फॉर्म में खेल रहा है सामने वाला। कौन से बी बरेली कॉलेज का हो रहा है? हाँ जी बरेली कॉलेज, A to Z सारी क्लासेस हैं इसमें, A to Z सारी क्लासेस। तो गाइस सारी क्लासों का मैच है इसमें, तो बच्चे खूब फॉर्म में खेल रहे हैं अपनी। चलिए मैं आपको बाद में मिलता हूँ क्लास में, ओके। तो गाइस अभी हिस्ट्री की क्लास खत्म हो चुकी है, अभी बच्चे खड़े हुए हैं अपने, मैं दोनों हिस्ट्री क्लास लेता हूँ, ये सब खड़े हुए हैं, तो ज़्यादा सही नहीं बताऊँ, ये सब कभी पढ़ा देते कभी नहीं पढ़ाते, ज़्यादा तेज नहीं बोल रहा, ये लोग शिकायत कर देंगे। ठीक है गाइस, तो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ क्लास में जब अटेंडेंस होगी। गाइस अब चलिए हम अब म्यूज़ियम जा रहे हैं अपने हिस्ट्री के, बरेली कॉलेज के, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे का थोड़ा सा क्या डायरेक्शन है। तो गाइस ज़्यादा दूर नहीं है अपना म्यूज़ियम, बस थोड़ा 10-20 कदम चले और आ गया, थोड़ा देखना पड़ रहा है, तो मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये हिस्ट्री म्यूज़ियम है अपना, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये नियोलिथिक के जमाने की। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ये नियोलिथिक साइट है कोई, आगे बढ़ ले गाइस, ये है
मेन सोर्स ये कुंडी पुरानी माने की गाय अभी हमने पूरा म्यूजियम देखा। अभी मैं आपको इसके बारे में और भी तगड़ी चीज़ दिखाऊंगा। बताऊँ, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी कि बरेली कॉलेज में इतना बेस्ट म्यूजियम होगा। इस म्यूजियम में सारे कॉइन्स वगैरह थे और जो सारी लिपि वगैरह थी लिखी हुई वो थी, और जो ओल्ड नोट्स थे वो सारे थे। एक कॉपर का फैन भी था, लैम्प थी, और जिसमें केमिकल आते हैं जिस बोतल में वो भी था, और बहुत सी चीज़ें थी। बताऊँ, और एक टाइपराइटर सा था जो उस टाइम का जैसे वो था, और कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर इसमें। तो गाइस, में एक टाइपराइटर भी था बहुत मस्त। गाइस, अभी अपना एक ग्रुप फोटो होने वाला है जिसमें मैं सर के पास रहूँगा अपने सर। गाइस, अभी अपना ग्रुप फोटो है, मैं आपको दिखाता हूँ म्यूजियम के सामने। और बहुत बड़ा वो है म्यूजियम, कोई नॉर्मल नहीं है। जैसे पूरे बरेली में म्यूजियम है नहीं, सच बता रहा हूँ, बट बरेली कॉलेज में म्यूजियम है, बहुत बड़ी बात है। और जैसे नेचुरल कॉलेज होते हैं उनमें म्यूजियम होता नहीं है। जैसे अभी हम टीचर से भी अपने पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे कि। तो गाइस, अभी हमारा ग्रुप फोटो होने वाला है सर के संग। गाइस, अभी बताऊँ, सर गए हुए हैं बाहर, तो अभी हम थोड़ा और आपको टूर दे देते हैं इसका रूम। ये देखिए, बहुत बड़ा वो है, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। जैसे ये है, ऐसे ये अपना इधर से चल रहा है, सारी वो रखी हुई है न्यूमिसमेटिक साइट्स, और ये ओल्ड कॉइन्स है, ये न्यूमिसमेटिक्स हैं सारे जिसमें राजा वगैरह लिखा रहते थे। और ये कैलकुलेटर है उस टाइम का, इसमें हम टेराकोटा के लिए। गाइस, ये सब कुछ है इधर। आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।